गंगा के लिए तपस्या कर रहे स्वामी ज्ञान स्वरूप सानंद जी महाराज जिला अस्पताल से ये कहते हैं कि अगर 17 तारीख को कोई सकारात्मक बात नहीं होती है तो मैं ड्रिप निकलवा दूंगा। वैसे भी हमारा हाथ बहुत सूज गया है। मैंने ये निर्णय लिया है कि किसी भी प्रकार की कोई भी चीज को क्यों स्वीकार करूं, क्योंकि कोई भी मेरी बात नहीं मान रहा है। अब प्रशासन चाहे कुछ भी कहे, आप सभी ये जानते हैं कि मैंने जल का एक बूंद भी नहीं लिया है और मेरा फैसला उसी प्रकार कायम है। मैं ड्रिप नहीं लूंगा। यदि आगे जोर जबरदस्ती होती है तो इसके बारे में मुझे नहीं पता। मेरा ये मानना है कि जल त्याग कर तपस्या पर हूँ। जब तक गंगा की सारी बातों पर फैसला नहीं हो जाता तब तक जल या कोई भी पोषक पदार्थ नहीं लूंगा। मेरी तपस्या जारी रहेगी। गुरु सानंद जी जो कि पिछले 63 दिनों से गंगा सेवा तपस्या पर हैं और जिन्होंने पिछले 9 दिनों से जल का भी परित्याग कर दिया है और काशी के क्षेत्रीय प्रशासन ने उनको कबीर चौरा अस्पताल में ला करके ड्रिप चढ़ाई हुई थी, उन्होंने पहले ही घोषणा किया था कि 17 तारीख की शाम 5 बजे हम ये ड्रिप हटा देंगे। आज शाम लगभग 4:45 बजे के करीब उनके हाथ में अचानक सूजन बढ़ने लगी और उन्होंने समझा कि संभवतः यह भगवान की यही इच्छा है कि 15 मिनट पहले ही मैं ड्रिप हटा दूं, तो उन्होंने वो ड्रिप 15 मिनट पहले ही हटा दी। अभिमुक्तेशानंद जी का कहना है कि महाराज जी ने पिछले 9 तारीख से अंजल का परित्याग कर दिया है और काशी के प्रशासन ने उनको ड्रिप लगवा दिया। उन्होंने पहले घोषणा की थी कि 17 तारीख शाम 5 बजे ड्रिप हटा देंगे। आज शाम 4:45 पर उनके हाथ में सूजन बढ़ गई, इसीलिए डॉक्टर ने उनके हाथ की ड्रिप निकलवा दी। पर महाराज जी को ये स्वीकार नहीं था। हमारे आगे रणनीति ये है कि गंगा की अविरल धारा के लिए हम तपस्या करते रहेंगे। हम लोगों को जानकारी मिली कि स्वामी जी ने 4:30 लगभग अपना जो ट्रिप हम लोग चला रहे थे, जो दवा दे रहे थे, उन्होंने निकाल दिया, लेकिन स्वामी जी तैयार नहीं हो रहे हैं। वैसे उनका स्वास्थ्य आज जो सुबह हम लोग परीक्षण कराए थे वो स्टेबल था, उसमें कोई बहुत ऐसी। कबीर चौराहा के चिकित्सक जो स्वामी जी उपचार कर रहे हैं का कहना है कि स्वामी जी ने स्वतः अपनी ड्रिप निकाल दी। उनके अनुरोध करने पर भी स्वामी जी ने ड्रिप लगाने को स्वीकार नहीं किया। चिकित्सक का कहना है कि सुबह की जांच में सब कुछ ठीक था, किंतु स्वामी जी के निकाल देने के बाद चिंता का विषय हो सकता है, किंतु इस समय उनका स्वास्थ्य सामान्य है। विश्वजीत देवनाथ की रिपोर्ट, लाइव उत्तर प्रदेश, वाराणसी।